भी एडी ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको बनाने के लिए थोड़ा और अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बना देंगे, नहीं तो थोड़ा दिया है लिख देंगे कि एंगल सी ए बी बराबर 90 डिग्री है, ए डी लंब है बी सी पर, दिखाना है या साबित करना है। अच्छा, और ए सी बराबर दिया है 75 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में करेंगे तो इसको 0.75 मीटर ही लिख देता हूँ। अच्छा ए बी बराबर 1 मीटर और बी सी बराबर में 1.25 मीटर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी डी ए समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, तथा ज्ञात भी करना है तथा हमें ए डी का मान भी ज्ञात करना है। चलिए तो इसका प्रमाण देखो, आप सीधे प्रमेय लिखो, साबित हो गया कि यदि यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यहीं से ये साबित हो गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। अगर ये लिखने का मन नहीं करे तो दूसरा स्टेप आपको बताते हैं, इस थ्योरम को हटा देंगे, आप सीधे समरूप ही करो। तो इन दोनों को समरूप करने के लिए देखो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम दे दूँ तो और अच्छा रहेगा, 1 2 और इसको 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा देखो, तो एंगल 1+2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। आप चलो त्रिभुज ए किसमें, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में एंगल 1+2 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है 90 डिग्री होता है। अच्छा त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो एंगल 1+3 90 होगा, यानी कि एंगल 1+2 बराबर में एंगल 1+3, तो यह 1 काट दो, एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में चलो जिसे हमें समरूप करना है, तो त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज यहाँ पे 2 है, थोड़ा इसको साफ लिख दें, ठीक है एंगल 2 है यह, एंगल 2 बराबर एंगल 3। अच्छा त्रिभुज किसमें, तो बी डी ए, ठीक है बी डी ए तथा त्रिभुज बी ए सी में, तो इन दोनों त्रिभुजों में बी ए सी में और एस बी डी ए में, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, दोनों एक एक कोण है ना, इसका एंगल 2 है और इसका एंगल 3 है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 अभी साबित किए हैं। अच्छा दूसरा एंगल बी डी ए बराबर में एंगल बी ए सी, प्रत्येक 90 है, तो ऐसे भी दिखा सकते थे, प्रत्येक 90 है, जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया दो कोण बराबर, तो त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। या एंगल एंगल समरूपता से या तो प्रमेय लिख के कर देते या ऐसे कर देंगे, समझ गए ना। अब देखिए क्या करना है, तो हमें इस फिगर में क्या देख रहे हैं, तो हमें इस फिगर में हमें एडी का मान निकालना है ना, एडी का मान निकालना है, एडी निकालना है या, तो आप ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना जी। चलिए तो यहाँ पे आप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो अगर मैं इसमें से
देखो आपका बीडी तो नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, ऐसा लेंगे जो जो इसमें दिया हुआ है वैल्यू। हमारे पास ए बी है, ए सी है और यहाँ सी डी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि आप ए बी ले लो, ए बी इसमें ए बी लिए तो इसमें आप सी बी लेंगे, सी बी ठीक है। अच्छा इसमें कहता हूँ ए डी ले लो, ए डी ठीक है, तो इसमें क्या लोगे, सी ए है ना जी। इसमें अगर ए डी लेते हैं, ए डी देख लो, अगर ए डी लेते हैं तो इसमें सी ए हो जाएगा, सी ए। चलिए तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू 1 मीटर, सी बी सी बी सी बी ये है 1.25, सी बी जो है 1.25 है। अच्छा ए डी हमें निकालना है और सी ए कितना है, सी ए 75 सेंटीमीटर यानी कि 0.75 मीटर, इसको इधर जाके गुना में कर दो तो 0.75 और बटा में 1.25 मीटर, यह ए डी का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं 0.25 से इसको 3 बार में और इसको 4 बार में, सॉरी 5 बार में, 3/5 मीटर, 3/5 मीटर ए डी का वैल्यू हुआ। चाहो तो सेंटीमीटर में बदल दो, तो यहाँ से आप ए डी बराबर लिख सकते हो 3/5 × 100 सेंटीमीटर, इसको काट दो 20 बार में, 20 या 60 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक साथ ही साथ भारतीय भवन एनसीईआरटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।